आज लोकसभा के प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए, लेकिन इसी बीच नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अधिवक्ता सूरज मिश्रा ने सत्तारूढ़ भाजपा पर चुनाव के लिए तकनीकी का गैर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने बताया कि प्रेम नगर के बूथ से एक ऐसी मशीन पाई गई है जिससे कि अपने आप ही चिट्ठियां निकल रही है। उन्होंने काफी कुछ चीजों पर प्रकाश डाला है, आइए देखते हैं आखिर क्या बता है। मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा, लोकसभा चुनाव 10 का उम्मीदवार हूँ नागपुर शहर से। आज जो था इलेक्शन का डेट था 19 अप्रैल, लेकिन 19 अप्रैल को आज जो हमने देखा वो सबसे बड़ा एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जो है प्रयोग किया गया, जहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन के नाम पे सिर्फ एक डमी इलेक्शन किया गया, सिर्फ एक डमी इलेक्शन, ताकि सत्ताधारी पार्टी सत्ता में रह सके और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी ही जीत सके। और ये डमी इलेक्शन की कुछ तस्वीरें हैं जो हमने अपने आंखों से देखी, जैसे कि ये जो एक मशीन है, ये एक मशीन बीजेपी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि टेक्नोलॉजी जो किया जाता है हर बार, इस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल परफेक्ट प्रयोग इन्होंने आज के दिन 19 तारीख को इलेक्शन के दिन किया। ये टेक्नोलॉजी की जो मशीन थी, ये मशीन हमको प्रेमनगर के बूथ से मिली और ऑल ओवर नागपुर शहर में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर इस प्रकार की चिट्ठियाँ डायरेक्ट निकल रही थी। इस प्रकार की चिट्ठियों को डायरेक्ट निकाला गया और इस प्रकार की चिट्ठियों को निकाल करके इस मशीन के द्वारा, और इस मशीन के द्वारा जब इन चिट्ठियों को निकाला गया तो डायरेक्ट इस चिट्ठी में जो है माननीय श्री नितिन जी गडकरी, इनका डायरेक्ट फोटो छप करके आ रहा है और चुनाव चिन्ह भी इसमें आ रहा है, और ये चुनाव चिन्ह साफ साफ दर्शाता है कि आप आइए, ये हमने आपको चिट्ठी दी है, आप इसको लेकर जाइए और सीधा जाकर के बीजेपी का बटन दबाइए, ताकि सत्ताधारी पार्टी पार्टी में रह सके। इसकी जो है, इससे पहले भी जब हमने परमिशन के लिए, जब हमने जिला कलेक्टर को जो थे विपिन इटनकर साहब, इनको हमने पहले भी एक निवेदन दिया था कि इन्होंने जो था आचार्य संहिता का उल्लंघन करते हुए पूरे जगह इन्होंने अपनी इनलीगल गाड़ियाँ घुमाई, जहाँ कटआउट से लेकर हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर बाकी पार्टियों को किसी प्रकार का अनुमति नहीं दी गई, और आज हमने जिला कलेक्टर साहब को ये एक निवेदन दिया है, और इस निवेदन के माध्यम से हम जो है जिला अधिकारी साहब को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये जो डमी इलेक्शन हुआ है, इस डमी इलेक्शन को इधर ही स्थगित कर दिया जाए और इस इलेक्शन को फिर से करवाया जाए, क्योंकि यहाँ जनता जो है ये लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र देश होने के वजह से हम सबको पूरा बराबरी का, समानता का अधिकार जो है हमको संविधान से मिला है, और ये असंवैधानिक तरीके से ये जो इन्होंने जो ये मशीन का जो इस्तेमाल किया है, अब अगर ये पार्टी जीत भी जाती है तो ये हर एक डमी इलेक्शन है। यहाँ की हर कैंडिडेट ने अपनी अपनी कंप्लेंट यहाँ पर रेस की है। अब हमको देखना ये है कि जिला अधिकारी साहब जो है, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर है, अब वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, किस प्रकार एक्शन लेते हैं, और इस जो है इलेक्शन को यहीं पर स्थगित करते हैं या इसको पूरे तरह से बढ़ावा देते हैं, ये अभी हमको नागपुर शहर के अंदर देखना है।